दोस्तों गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल हम अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में और आज है दशहरा का लास्ट दिन, तो पूरे हम लोग फैमिली जा रहे हैं मार्केट में घूमने। और इधर अक्षय है, मिथुन है, इधर मैडम मेरा रेडी हो गई है। का जी रेडी हो गई है ना? चलिए रेडी हो गई है। बाकी अभी हम लोग एक दो और फैमिली का हम लोग वेट कर रहे हैं, बाकी हम लोग आएंगे तो पूरे मार्केट चलेंगे घूमना है। आज पूरे पंडाल फंडाल आपको जितना है पूरे आप लोग को दिखाएंगे, तो पूरे आप लोग पूरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और नए लोग व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग पूरे रेडी हो गए हैं। हम यहाँ का देखिए टॉपी रखे है, अभी वो अंदर है, उसको दिखा देते हैं आप लोग को पूरे। और इधर सीओ भी रेडी है पूरे, तो साइकिल अभी चला रहा है, उसको भी जाना है। और मैया को भी जाना है, मैया देखते हैं सुई है कि नहीं है, तो सुलाए हैं अभी और देखते हैं। तो अभी सुई है, इसलिए देखिए अभी सुई है। चलिए भाई इसको सोने देते हैं, बाकी हम लोग अभी चलेंगे। बाकी तो पंकज जो भी है लोग जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं चला है, हम लोग रहे। चलो ठीक है, बाकी लोग बाकी हम तो रेडी हो गए हैं। बाकी इन लोग देखते हैं, इन लोग का मीटिंग चल रहा है बाहर, देखिए इन लोग का मीटिंग चल रहा है। क्या हुआ तुम लोग की अभी डिस्कस हो रहा है कि चलना है कि नहीं चलना है। अब पूरे हम लोग रेडी हो गए हैं, ये देखिए इधर मैडम भी रेडी हो गई हैं, इधर अक्षय भी रेडी है, उसका भी फैमिली आने वाला है। तो फिलहाल हम लोग तैयारी करें चलने के लिए। बाइक देखिए इधर लगाया हुआ है और समय अभी हो रहा है, कितना हो रहा है, 7:30 बज रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरे कंटिन्यू बने रहेगा, बहुत मजा आने वाला है। एक से एक पंडाल इधर हम लोग के घाट एरिया में बना हुआ है, आप लोग पूरे दिखाते हैं, आप लोग पूरे कंटिन्यू में रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपसे अनुरोध है कि चलते फिरते नजर आएंगे। माता रानी के प्रतिमा के सामने हम देख सकते हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग चल नहीं रहे हैं, एक जगह पे खड़े होकर घूम रहे, जगह को ब्लॉक कर रही है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चलते फिरते नजर आएंगे। लाइव भी लाइव नहीं, लाइव नहीं है अभी, चलाइए। दुर्गा पूजा समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने भव्य पंडाल का आयोजन किया है और आपके सहयोग से ही सन 2006 से 2023 तक का सफर हमने पूरा किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी, आने वाले वर्षों में भी हम दुर्गा पूजा का आयोजन इसी लगन से, इसी आपके किनार के बदौलत हम करते रहेंगे, इसलिए आप अपना सहयोग बनाए रखें। प्रसाद काउंटर के बगल में दान राशि ली जा रही है, आपसे जो भी दान बन पड़े, आप जितना भी सहयोग करना चाहते हैं जरूर करें। आपके सहयोग से ही हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन इस इतना भव्य हो पाता है। इस बार का पंडाल बैंगलोर के आदि योगी जो शिव जी का मंदिर है उसे पहली जगह बनाया गया है। ओम प्रकाश ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर मछुआर निवासी, ओम प्रकाश ठाकुर मछुआर नरगी निवासी के तरफ से 1 करोड़ रुपए का दान राशि दुर्गा पूजा समिति को प्राप्त हुआ, माता रानी के चरणों में प्राप्त हुआ है। ओम प्रकाश ठाकुर और इनके पूरे परिवार पे माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखे। ओम प्रकाश ठाकुर मछुआर नरगी निवासी, आपसे अनुरोध है कि चलते फिरते नजर आएंगे, एक जगह पे खड़ा नहीं रहेंगे, इससे बाकी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया चलते फिरते नजर आए ताकि कोई भी असुविधा ना हो बाकी श्रद्धालुओं को। एक जिम्मेवार व्यक्ति बने और एक दूसरे की मदद करे। अगर आप प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं यही पंडाल में, तो उसकी पंडिया डस्टबिन में यानी की पूरे रात नहीं फेंके, पंडाल के मार्ग से ना फेंके जिससे गंदगी ना हो। आप एक मंदिर के पंडाल के दुर्गा पूजा समिति को दिया गया है, माता रानी उनकी सारी मनोकामना को पूरा करें। अमित कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर आपको कोई भी दान राशि देनी है तो यहाँ पर आकर अपना दान राशि दे सकते हैं।
अपनी बहुमत राशि यहाँ पे काम करें। आराम से लो, कल्याण होता है आपके। बाबू 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 आयोजन करते हैं बाबू, वो रास्ता से खाली कर दीजिए आप लोग, या अंदर आइए या तो बाहर जाइए। आपकी जान देख लीजिएगा, नहीं 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 पता कौन था अंदर घुस रहा है। क्यूआर कोड डिजिटल इंडिया है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। हाँ बोलो। हेलो नीरज सर, जो कि हमारे बचपन के भी शिक्षक रहे हैं, सर जी के तरफ से 251 रुपए का दान राशि दुर्गा पूजा समिति को प्राप्त हुआ है। माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखे। ये कर मामे लोग हो फोटो खींचा है ना, देखा कोने को ना देखा नीरज सर द्वारा 251 रुपए का सहयोग राशि दुर्गा पूजा समिति को दिया गया है, जो कि हमारे बचपन के बहुत ही प्रिय शिक्षक हुआ करते थे। लाल जी पांडे सर जो की प्राप्त हुआ है, माता रानी का चरण में प्राप्त हुआ है। लाल जी पांडे सिद्धिश्राम निवासी चला फोटो चला फोटो चला ना। ठीक ठीक वीडियो मत बना। खाली दोस्तों अभी मस्त, अभी सब्जी मार्केट हम लोग पहुँचे हैं और इधर हम लोग घर से भी आए हैं फैमिली के साथ घूमने फिरने। बाकी हम लोग उधर हैं, कुछ सामान सामान ले रहे हैं छोटा मोटा बच्चों के लिए। हम लोग आए हैं दुर्गा पूजा माता जी का दर्शन करने, और आप लोग भी वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कि कौन कौन जिला कौन कौन राज्य में आप लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए किस जिला से आप लोग हैं, कौन सा राज्य से, कौन सा इससे हैं। बाकी छोटी लोग भी देखिए उधर है। चलिए आप लोग पूरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। बाकी इधर है सब बाबू लोग, इधर है छोटा वाला है क्या हीरो काल और बिकिया काल अरे बिकिया काल सभी लोग चलिए जाकर हमारे को दिल्ली का स्वागत करें। चलो एक बार उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। हाँ यो वाह चलो हो गया चलो। देखो ना और हम पकड़े हैं इसी को तो वीडियो बना रहे हैं। चलाओ इधर आप चलो बंद करो बाद में पागल बंद करो घर पे उड़ाना पागल है हर कोई पागल है। चलो घर उड़े हैं चलो घर पे घर पे घर पे कितना
तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग सब्जी मार्केट में आ गए हैं, दुर्गा पूजा पंडाल देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, काफ़ी भीड़ भाड़ है और हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं पंडाल की ओर। बाकी सर चार छोला का पूरे लगा हुआ है मिला ठोली। बाकी उधर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वो भी दिखाएंगे आप लोग का। और इधर देखिए पंडाल पूरे लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विधायक महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी कलाकारों, हम सभी दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कुछ बोलेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी हमारे हैं और पूर्व विधायक मेरे अनंत प्रताप देव जी। भक्ति जागरण का कार्यक्रम रखा गया, पंडाल लगा हुआ है। सबसे पहले माता के चरणों को प्रणाम करते हुए आप सब यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान भाइयों, माता बहने, आदरणीय बुजुर्गों, दशहरा के अवसर पे मैं हार्दिक दिल से आपको शुभकामना देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोगों के बीच उपस्थित नगर पंचायत की उपाध्यक्षा श्रीमती लता देवी जी और इस जय भामाशाह क्लब के हमारे अध्यक्ष भोलू जी, हमारे इस क्लब के सम्मानित सदस्य आपको बुलबुल जी, आपको ये मुक्तेश्वर पांडे जी, छोटू जी, कमलेश जी, तस्लीम भाई, अमरनाथ पांडे जी, मुंदी जी, आनंद जी और यहाँ के जो आपके बीच में कलाकार बंधु आए हैं, मैं हृदय से उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कोरोना के बाद निश्चित रूप से इस बार बहुत अच्छे ढंग से नवरात्र और दशहरा का पूजा मनाया गया है। करीब करीब हम हर क्षेत्र में हम गए हैं, बहुत उत्साह है, लेकिन थोड़ी सी उत्साह में कमी इसलिए आई है कि जो किसान जिसको चाहिए था फसल, वो फसल नहीं मिल पाई। पानी समय पर नहीं होने से अकाल के चपेट में कम से कम हम लोग को लगता है कि 40-50-60% अकाल के चपेट में हम लोगों का विधानसभा रहा है। मैं माता रानी से ये दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि अगले साल इतना पानी दें कि किसान कम से कम अकाल के चपेट में न रहे। किसान है तो सब कुछ है। इसलिए मैं तमाम लोगों को और खास करके हमारे जय भामाशाह क्लब के जितने भी मेंबर हैं, बढ़ चढ़ करके कोई भी कार्यक्रम का अंजाम देते हैं, इस बार आपको देखिए बनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर हिंदुस्तान में, इस देश में, पद में अहम भूमिका रहता है। वीडियो नंबर आया था घर वीडियो बना रहे हैं, काला क्या काम है देख ले लो ना, उधर घूम ले ला, इधर घूम ले ला, काला सुना आई ये चला क्या हर बिल्डिंग का नाम बनाते रहे, हर कहने का भूलिया कि माता रानी ताप भी है, माता रानी ताप भी है, जगत सती जगदम्बा ताप भी है, तो सुख लो घास हरियर हो जाए।
बाद का ख्याल और ध्यान रखते हुए आप दर्शन पूजन कीजिए, फिर प्रतिज्ञा आगे मिलिए और एक दूसरे को मौका भी दीजिए। बाबू भी आया है, मार्केट में चोमी खा रहा था, इतना भीड़ था तो उस समय वीडियो नहीं बना पाया कि बाबू को टांगना था, प्लस में लेके घुमाना था मेला, तो समझ में नहीं कि वीडियो शूट करें कि हम ब्लॉग बनाए वो समझ में आ रहा था। तो अभी जस्ट अभी घर आया है, बाकी अभी खा रहा है चोमी, ठीक है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम भी खाना वाना खा रहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा गुड नाइट और शुभ रात्रि, मंगलमय हो। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, दबा के शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत थक गए हैं। तो बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।